हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो जी, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो सीजनल सारा वायरल फैला हुआ था उसकी वजह से मैं काफ़ी बीमार रही हूँ और मैं बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज जब मैं लॉन में आई और इतनी बहार मैंने नोटिस की, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके लॉन में हर वक्त पौधे रहें, मतलब फ्लावरिंग वाले प्लांट्स रहें। वैसे तो पौधे रहते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन किस तरह से आप मैनेज करें कि सर्दियां, गर्मियां या अगर बाहर का मौसम है, बाहर में तो ऑब्वियसली बहुत फ्लावर्स होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आकर के या शदीद सर्दी में आकर के आपका लॉन एक टाइम पर बिल्कुल फ्लावर से खाली हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नया ट्राई किया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं फ़िलहाल कहाँ से जो फ्लावर्स है वो ले रही हूँ। जो लोग बहरिया फेज़ 8 के रहने वाले हैं रावलपिंडी में, उनके लिए जगह बहुत ही ईजी है, बहुत ही करीब करके एक न्यू नर्सरी बनी है, जिसका लिंक जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के एंड में मैंने उनका कॉन्टैक्ट भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल का रेफरेंस देने पर आपको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट, जो कि आप जाकर के वहां से अवेल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक यहां पर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉन में पूरे साल में कहीं ना कहीं फ्लावरिंग वाले प्लांट्स नज़र आते रहें, तो आप तकरीबन हर मंथ में कुछ ना कुछ नए प्लांट्स ज़रूर लगाइए जो कि फ्लावरिंग वाले हों। अब इसमें यह है कि कुछ तो हम परमानेंट प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन परमानेंट प्लांट्स जो हैं उनमें साल में एक दफ़ा ही फूल आते हैं, बाकी सारा टाइम वो ग्रीन रहते हैं। इसके अलावा हम साथ साथ जो है सीजनल प्लांट्स लगाते हैं। सीजनल में कुछ शॉर्ट स्पैम वाले होते हैं और कुछ थोड़ा सा लंबा टाइम चलते हैं, तो आप मिक्स वेराइटीज़ लगाइए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पेटूनिया के प्लांट्स हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी पहले शूट की थी, तो इस वक्त जो है, इस वक्त तो मेरी क्यारियाँ बिल्कुल फुल हो चुकी हैं, इवन लीव्स नज़र नहीं आ रहे और बिल्कुल जो है फ्लावर से ढक चुकी हैं। तो मैंने इनको पनीरी से लगाया था। कभी भी आप ऐसे स्टेज पे प्लांट को मत खरीदिए जब वो ऑलरेडी फ्लावरिंग पर हो। हमेशा छोटे साइज़ का पौधा लें, ताकि आप छोटे पौधे को ज़मीन में ट्रांसप्लांट करें और वो वहाँ पर फैल जाए और उसके बाद उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो। अगर आपको लगे कि बहुत ही छोटे पौधे पर फूल आ गए हैं, तो बेहतर होता है कि आप उस फूल को रिमूव कर दें, ताकि प्लांट जो है वो पहला फोकस अपनी शूट्स की तरफ लगाए, ताकि जब उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो वो बहुत ही भर के आए। ये प्लांट्स मैंने तकरीबन कोई फेब में लगाए थे और सर्दी काफ़ी शदीद थी, इसलिए इसे सेटल होने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब जो है ये बहुत सेट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे शेड्स में पेटूनिया लगाया था। पेटूनिया बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं होता, शदीद गर्मी आने पर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो गर्मियों में भी काफ़ी लंबा टाइम निकाल जाती हैं। तो आप एक ही तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ ले सकते हैं, कुछ लंबा टाइम चलती हैं और कुछ कम टाइम के लिए चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने क्या किया है कि इन प्लांट्स को आप देखिए मिक्स करके लगा है। इस वक्त जो है गुलाब भी बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन गुलाब का भी यही मसला है कि सारा साल उस पर कुछ फ्लावरिंग नहीं होती और सिर्फ इसी सीज़न में आकर के इस पर फ्लावरिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि आपके गमले ऑक्यूपाई हो जाते हैं और पूरा साल आपको उस पर कोई फूल देखने को नहीं मिलता। तो बेस्ट ये होता है कि आप मल्टीपल जो आपके फ्लावर्स हैं वो चूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के। इस वक्त यहाँ पर आप देखिए, सर्दियों में लगाया हुआ मेरा गेंदा जो है वो भी अभी तक मौजूद है। मैंने जो उसके साथ साथ स्पेंट फ्लावर्स थे उनको ख़त्म कर दिया था, इसके अलावा साथ साथ इनको फर्टिलाइज़ भी कर रही थी ताकि नई शूट्स निकलें और फ्लावरिंग होती रहे। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा जब मेरे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूमिंग पर आ गए थे इवन सीज़न में भी, तो उसके बावजूद मैंने छोटे साइज़ की पनीरियाँ लेकर के लगा दी थी। तो अब क्या हुआ कि वो फ्लावर्स तो स्पेंड हो गए थे जो मैंने विंटर में स्टार्टिंग में लगाए, लेकिन जो बाद में मैंने गेंदा लगाया वो इस वक्त बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि मैंने मिक्स करके फ्लावर्स को लगाया हुआ है। मैंने इस दफ़ा सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ, वरना अमूमन मैं काफ़ी सीक्वेंस में फ्लावर्स लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
पिछली गर्मियों के सीज़न में लगाए गए जो विंका के पौधे थे उनको मैंने कटिंग से तकरीबन फेब एंड मार्च स्टार्ट में ग्रो कर दिया था। अब वो काफ़ी जगह पर मेरे पास छोटे छोटे प्लांट्स की सूरत में मौजूद हैं। इसके अलावा जो मेरे पुराने पौधे थे मैंने उनको कटिंग करके रख दिया था, जिस पर अब नई शूट्स आने लगी हैं और काफ़ी जगहों पर तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। विंका बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो कि आगे तेज़ गर्मी में आकर के आपको फ्लावरिंग देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शीत गर्मी में भी आपके लॉन में फ्लावरिंग हो तो विंका को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉग फ्लावर, ये मैंने 3 पॉट्स में लगाया था। इसमें एक वेराइटी जो थी वो पहले खिल गई थी, इसके बाद अब उस पर सीड्स बन चुके हैं, लेकिन चूँकि उसके पत्ते अभी तक ग्रीन हैं तो मैंने उसे रिमूव नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो बाद में खिली और तीसरे ये जो अभी आपको पॉट नज़र आ रहा है वो खिले हैं। यहाँ पर अब देखिए ऑलरेडी ये जो है प्लांट ये बडिंग पर आ चुका है। जब मेरा पहला वाला पॉट ख़त्म होगा तो उस वक्त ये वाला गमला जो है ये फूलों से भर जाएगा। येलो वाली वैरायटी जो है ये सबसे पहले इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, तो इस पर अब जो है सीड पॉड्स बन गए हैं। तो मज़ीद वहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं उस गमले को खाली नहीं करूँगी क्योंकि एकदम से वो जगह जो है वो ब्लैंक हो जाएगी, बिल्कुल वहाँ पर गैप आ जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको एज़ इट इज़ छोड़ा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इंटरक्रॉपिंग की है, ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा विंका, बहुत ही आराम से कटिंग से कहीं से भी लग जाता है। इनफैक्ट इन दिनों अगर आप कहीं पर कटिंग देख रहे हैं तो आप एक छोटा सा तकरीबन 3 से 4 इंच का इसका पीस लेकर के उसको आप ज़मीन में दबा दीजिए तो वो उसे पूरा ज़बरदस्त सा प्लांट बन जाएगा। इस साइड पर मेरे पास एक छोटी सी क्यारी है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि बहुत सारी कटिंग्स लगा देती हूँ और साथ साथ उनको पॉट्स में शिफ्ट करती रहती हूँ। तो चलिए जी, अब वीकेंड था तो हमने कुछ थोड़ी सी फ्लावर्स की शॉपिंग की है। इस वक्त देखिए नर्सरी में भी फ्लावरिंग पर आ चुके हुए हैं, बट इवन दो कलर ऐड करने के लिए मुझे कुछ प्लांट्स परचेज़ करना थे। और ये वो नर्सरी है जो फेज़ 8 में है, बिल्कुल जापान रोड के ऊपर ही ये नर्सरी है और बहुत ही ईजी सा एड्रेस है। आप आराम से यहाँ से आ करके प्लांट्स परचेज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो इस एरिया के लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डॉग फ्लावर्स ख़रीदे और कुछ गजानिया लिया। गजानिया मेरे पास पहले भी है लेकिन चूंकि ये परमानेंट प्लांट है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और अब तो इसमें काफ़ी सारी वेरीगेटेड वेराइटीज़ भी आना शुरू हो गई हैं, इसके अलावा कलर्स भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। तो जो मेरे इस वक्त पॉट्स खाली हो रहे थे उसमें भी मैं इसे शिफ्ट करने का सोच रही हूँ। एक और ज़बरदस्त सा फ्लावर है जो आगे तेज़ गर्मी में खिलेगा, वो ज़रूर आप लगाइए अगर आपको कहीं से कॉस्मोस के फ्लावर्स मिल जाते हैं। नर्सरीज पर पता नहीं क्यों इतने आसानी से नहीं मिलते, लेकिन कॉस्मोस भी बेस्ट चॉइस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।